Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Times Drive. आज हमारे पास मौसम के हिसाब से काफी ब्राइट व्हाइट कलर की किया कारंस मौजूद है। जी हाँ, वही नई गाड़ी जिसके अनवेल को थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा टाइम्स ड्राइव के ऊपर। अब बारी है इसके टेस्ट ड्राइव की। जी हाँ, इसे टेस्ट ड्राइव करने का हमें मौका मिल रहा है और आपके दिमाग में सवाल ज़रूर होगा कि इसी की जो कोरियन कज़न है, उसकी जो गाड़ी है, हाल में आपने कई स्टोरीज देखी भी हैं उसकी टाइम्स ड्राइव के ऊपर, उससे कितनी अलग है ये। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कितनी अलग है, लेकिन क्या खास कैरेंस पेश कर रही है, क्या लेकर आ रही है, ऑफर कर रही है इस सेगमेंट के ग्राहकों को, वो मैं आपको बताने वाला हूं। शुरुआत करते हैं कुछ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज से। एक तो यह है कि इंजन ऑप्शंस आपको इसमें तीन मिलेंगे, 1.4, 1.5 पेट्रोल, जिसमें से 1.4 जो है वो टर्बो पेट्रोल है। इसके अलावा आपके पास एक डीजल ऑप्शन भी 1.5 का मिलेगा। आप पूछेंगे ये कौन सा वर्जन है, तो ये है टर्बो पेट्रोल वर्जन। हमारे पास एक डीजल वर्जन भी मौजूद है कैमरा के पीछे, लेकिन उसकी स्टोरी हम बाद में दिखाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं चाहता था कि आप फोकस करें, इनकेस आप इंटरेस्टेड हैं, टर्बो पेट्रोल किया कैरेंस के ऊपर। तो देखते हैं क्या कुछ इसमें नया खास आपको देखने को मिलेगा। लुक्स की बात करें, सबसे पहले ही अगर हम यहाँ नज़र ऑब्वियसली आपकी जाएगी इसके चेहरे पर ही, और ये जो है वो हिस्सा सबसे आपको यूनिक और अलग दिखेगा। ये बिल्कुल ही अलग इसको आइडेंटिटी दे रहा है, स्पेशली जिस तरीके के LED DRLs के जो शेप है, मुझे वो काफ़ी कूल लग रहा है। बीच में जो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ जो ग्रिल का ऊपरी हिस्सा है, वो भी एक काफ़ी प्रीमियम सी फील इसको दे रहा है। और निचला हिस्सा जो बम्पर का है, वहाँ पर भी आप क्रोम का इस्तेमाल देख रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग, कूल और नया। तो सामने से अगर मैं कहूँ, बहुत ही यूनिक या बहुत ही डिस्टिंक्ट लुक के साथ आ रही है किया की कारंस। This is our place now. This is our place now. This is our place now. साइड प्रोफाइल है आप देखें, क्योंकि ये वाइट है तो और ज्यादा उभर कर यहाँ नजर आ रहा है। जिस तरह क्लैडिंग और यहाँ पर डल मेटालिक इसके ऊपर फिनिश दिया गया है, वो फील जो है थोड़ा स्पोर्टी तो बना रहा है। ओवरऑल स्टांस अगर हम कहें तो, जैसा आपको पता ही है, अलकजार वाली फील आएगी किनारे से अगर हम देखें तो, लेकिन आगे और पीछे जो डिज़ाइन और लुक के हिसाब से हम देखें तो काफ़ी यूनिक और काफ़ी डिस्टिंक्ट देखने को मिल रही है किया की कारंस। किया कैरेंस की कहानी अंदर से। अब यहाँ सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ अच्छी और डिस्टिंक्ट लग रही है, वो है इस डार्क ब्लू शेड में, जिस तरह से लेदर रैप्ड ये स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिल रहा है। फ्लैट बॉटम है, बीच में आपको डल मेटालिक फील दी गई है, और यहाँ ब्लूइश टिंज जो है ओवरऑल मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी यूनिक सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो स्मार्टफोन इंफोटेनमेंट के कनेक्टिविटी के अलावा क्रूज कंट्रोल का बटन भी कंट्रोल और बाकी जो मेन्यू है वो आप एक्सेस कर सकते हैं इस बटन से। तो यहाँ पर अगर मैं डिज़ाइन और थीम की बात करूँ, एक पर्पलिश फील है जो थ्री डिमेंशनल एक यहाँ पैटर्न बनाता दिखाई दे रहा है, लेकिन नंबर्स, डिजिट्स और चाहे टैकोमीटर हो, स्पीडो हो, फ्यूल गेज, ये सभी शार्प तरीके से आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। और इंफॉर्मेशन जो बीच का स्क्रीन है, उसमें ऑब्वियसली आपके ट्रैवल के बारे में, ड्राइव के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है। कंपास है एक आपको यहाँ पर, प्लस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इंस्ट्रूमेंटेशन से इंफोटेनमेंट पर हम अपना अटेंशन लेके जाते हैं। यहाँ अगेन वही पर्पलिश वाली थीम नज़र आ रही है, लेकिन इसे अगर मैं चेंज करूँ सेटिंग्स लेआउट, हाँ यहाँ पर एक अब रेडिश पिंकिश टाइप का थीम हो गया, और एक अभी ब्लूइश ग्रीन या एक्वा आई गेस इसको कहते हैं, वो सब थीम आप चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल जो लुक है वो आप चेंज कर सकते हैं। एक और एलिमेंट है जिसके बारे में मैं सबसे पहले बताना चाह रहा था, क्योंकि वो मुझे काफ़ी कूल लगा। जो भी हमने ड्राइव किया उस दौरान
जब मैंने मीडिया सेलेक्ट किया तो मेरे पास एक ऑप्शन था और वो था इस ट्रैक का, यहाँ पर एक एम्बिएंट साउंड या एक आपके लिए एक थीम साउंड मिल रहा है साउंड्स ऑफ नेचर के नाम से, जहाँ पर फिलहाल लाइवली फॉरेस्ट है, सी वेव्स है, रेनी डे है, ओपन एयर कैफे, वार्म फायर प्लेस। तो ये सारी जो आवाज़ें हैं वो आपको हो सकता है सुनने में लगे अटपटा कि इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन मैंने एक चीज़ महसूस किया कि इट वॉज़ एक्चुअली एडिंग वैल्यू। आप जब ड्राइव कर रहे हैं ट्रैफिक के बीच में, जब शांति वाली या जंगल की आवाज़ आपको मिलेगी तो एक थोड़ा सा कामनेस ज़रूर आता है। So, I like that feature. इसके अलावा Android Auto, Apple CarPlay वगैरह तो आपको इससे मिल ही रहा है। इसके साथ connectivity, telematics के सारे features भी आपको इसमें मिलेंगे। ये buttons आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा आप voice command भी इसे दे सकते हैं। इस infotainment screen को भी एक stylish up market से layout वाले dash में integrate किया गया। Size बहुत बड़ा नहीं है, but yeah, coming back to the dash, यहाँ जो design है piano black finish और साथ में pattern मुझे stylish लग रहा है। अब इसके थोड़े right में आते हैं तो यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी स्मार्ट अच्छे डिज़ाइन वाला आपको देखने को मिल रहा है। इसके ठीक नीचे जो पूरा सेटअप है वो टिपिकल एसयूवी टाइप की फील आपको इस तरह से बीच में आमतौर पर एसयूवीज में आपको देखने को मिलते हैं, पैनल जो सेंटर कंसोल होते हैं। यहाँ पे जो बटन्स हैं उसमें आप देख सकते हैं, एक तो ये बता रहा है कि जो सीट वेंटिलेटेड आपको मिल रही है फ्रंट की दोनों जो सीट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैमरा का बटन और हिल होल्ड असिस्ट वगैरह आप यहाँ पर से इस बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। यूएसबी का पॉइंट है, प्लस सी टाइप चार्जर है, एक 12 वोल्ट का पॉइंट है। इसके ठीक नीचे आपको वायरलेस चार्जर भी इस वाले वेरिएंट में देखने को मिल रहा है। ये टर्बो पेट्रोल मैनुअल वाला वर्जन मैं चला रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आप यहाँ देख सकते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर, दो कप रखने की जगह, और यहीं से एक्सेस करने के लिए आर्मरेस्ट के नीचे जो कंसोल है वो बंद या लॉक नहीं है, इसी के ठीक नीचे से आप जगह एक्सेस कर सकते हैं। एक तरह से प्रैक्टिकल भी मुझे लग रहा है, आपको हर बार सामान रखने या निकालने के लिए बार बार इसे खोलना नहीं पड़ेगा। ये तो बात होगी फ्रंट रो की। एक एलिमेंट ऐसा है जहाँ पे मैं उतना श्योर नहीं हूँ कि कस्टमर्स कितने इम्प्रेस होंगे, और वो है इस सनरूफ का साइज़। यहाँ पे जिस तरीके के साइज़ हम देख रहे हैं आजकल सनरूफ के, उस हिसाब से ये आपको उतना बड़ा शायद ना लगे, लेकिन हाँ सनरूफ तो है। सेकेंड रो में चलते हैं। क्रांति संभव रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकेंड रो ऑफ किया कारंस। और यहाँ सबसे पहले तो इस सीट को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये सुविधा है आपके पास, और नी रूम उसी हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसे सेटिंग रखता हूँ जिससे कि थर्ड रो में भी हम जाके प्रॉपरली चेक कर पाएँ। मेरी हाइट 6'3" है, आपको फिर से याद दिला दूँ। एनीवे, थाई सपोर्ट मुझे अच्छा लग रहा है, बैक एंगल भी मुझे अच्छा लग रहा है, जो कुशनिंग है वो भी मुझे अच्छी लग रही है, प्लस जो एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट भी देखने को मिल रहा है दो। ये जो है वो 7-सीटर वर्जन आपको देखने को मिलेगा, 6-सीटर वर्जन भी है जिसकी कहानी हम आगे आपको दिखाएंगे। तीसरे के लिए जो जगह है वो ठीक ठाक ही निकल कर आएगी, यहाँ पर आपको हेडरेस्ट तो ऑब्वियसली नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल ये मुझे स्पेशियस और कंफर्टेबल जगह मिल रही है। एसी वेंट आपको यहाँ पर ऊपर से देखने को मिलेंगे। आप देख पा रहे होंगे दो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर दोनों के बैकरेस्ट में हम देख रहे हैं। तो इसमें तो ये तो ट्रे है, आपने देखा होगा इस तरह के ट्रेज जो आपके फ़ोन रखने के लिए या लैपटॉप रखकर काम करने के लिए आपके लिए काफ़ी प्रैक्टिकल वो होते हैं, ये वो है। ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको स्मार्ट प्योर एयर यानी एयर प्योरीफायर वाला जो मैकेनिज्म आपको आमतौर पर आर्मरेस्ट के पीछे देखने को मिलता है, तो यहाँ पर वो आप एयर प्योरीफायर देख सकते हैं। इसमें फ़िलहाल जो AQI है वो 85, 84 ओके, तो यानी अब ये काम करना चालू हो गया, तो अब AQI जो है वो बेटर कर रहा है, हालांकि एक दरवाज़ा और सनरूफ अभी खुले हुए हैं। एनीवे, दो लोगों के लिए काफ़ी जगह, तीन लोगों के लिए एडजस्ट करके, लेकिन ओवरऑल कंफर्टेबल स्पेस सेकेंड रो में मुझे देखने को मिल रहा है। अब थर्ड रो में देखते हैं स्पेस और एंट्री एग्जिट कैसी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में से एक थर्ड रो, क्योंकि अब 7-सीटर अगर मामला है तो फिर थर्ड रो की सीट में जगह कितनी है, एक्सेस कितना आसान है वो दिखाते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक चीज अच्छी लगी,
वन टच सीट अप। जी हाँ, पावर्ड सीट है ये, जो 60-40 में डिवाइड होती नज़र आ रही है, और इससे मैं काफ़ी आसानी से एक्सेस कर सकता हूँ, एंट्री कर सकता हूँ थर्ड रो में। अब इसे मैंने, ठीक है, सो मेरी हाइट जैसा मैंने बताया 60 के आसपास है, और वहाँ उस हिसाब से नी रूम तो आपको कम मिलेगा ही, थाई सपोर्ट भी मुझे कम मिल रहा है। एवरेज या छोटे बच्चों या फिर एवरेज इंडियन हाइट जो है उसमें, उससे जो थोड़े कम हाइट के लोग हैं उनके लिए जगह ये ठीक ठाक बन सकती है, अगर लंबे हों तो फिर ऑब्वियसली नहीं बनेगी। बैक सपोर्ट ठीक है, यहाँ पर आपके पास एडजस्टेबल जो है हेडरेस्ट भी देखने को मिल रहा है, और हेडरूम इंटरेस्टिंगली ठीक ठाक आपको देखने को मिल रही है अगर हम एवरेज हाइट की बात करें तो। फीचर्स के हिसाब से यहाँ पर एक सी टाइप चार्जिंग पॉइंट आपको दिया गया है, एक कप होल्डर दिया गया है, फ़ोन भी रखने की का स्लॉट है, और इस साइड भी आपको एक चार्जिंग पॉइंट मिला है, कप होल्डर और फ़ोन रखने की जगह मिल रही है। सो कंफर्टेबल है कम हाइट के लोगों के लिए या बच्चों के लिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फीचर मुझे यही बटन लगा, एक बटन दबाइए और जो सीट है वो पूरी तरह से टम्बल डाउन कर जाती है। इस थर्ड रो के साथ आमतौर पर हम 7 सीटर्स में देखते हैं कि पीछे जगह बिल्कुल नहीं रहती, लेकिन आप एक छोटे हैचबैक गाड़ी की तरह आपको जगह मिल रही है, जगह यहाँ पर छोटे सफ़र के लिए, तो 2 ब्रीफकेस के लिए आपको मिलेगी, थोड़ा सा स्लॉट, एक सीक्रेट स्लॉट यहाँ नीचे भी आपको देखने को मिल रहा है। तो पीछे भी जगह, फंक्शनल जगह आपको मिल रही है इस किया कैरेंस में। Guys, let's talk about the drive of this car. जैसे आपको मैंने बताया ये है 1.4 टर्बो चार्ज पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट, और इसके बारे में सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में क्या आ रही है ड्राइव करके, वो ये आ रही है कि तेज तर्रार चुस्त गाड़ियों के शौकीनों के लिए ये वेरिएंट है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक खास आरपीएम के बाद एक काफ़ी तेज़ तर्रार ड्राइव देती है, पावरफुल ड्राइव देती है, और जो एक्सेलरेशन है वो भी मज़ेदार आपको लग रहा है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि केवल शौकीनों के या तेज़ तर्रार गाड़ियों के शौकीनों के लिए, क्यों, क्योंकि वहाँ पे लो एंड में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, लो एंड टॉक की अगर बात करूँ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नज़र नहीं आया, वो रेगुलर कार की तरह आपको फील होगी। जो ग्रंट है, कई बार आप जब SUV शेप की गाड़ी को देखते हैं वहाँ पर लगता है कि ग्रंट इसकी SUV की तरह ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर ग्रंट शुरुआती RPM पर थोड़ी सी और रहती तो और मज़ा आता। दूसरी चीज़ ये कि जो गाड़ी का कंप्यूटर है वो बता रहा है 10.9 KMPL की फ्यूल एफिशिएंसी फिलहाल ये दे रहा है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ तेज़ तर्रार गाड़ी है, हाईवे के ऊपर काफ़ी मज़ेदार ये आपको लगेगी, खुली सड़कों के ऊपर आपको काफ़ी मज़ेदार लगेगी, लेकिन जो शुरुआती RPM है वहाँ पे थोड़ी सी और अगर टॉकी होती तो ये और ज़्यादा रोबस्ट फील होती। सस्पेंशन की बात करूँ, हैंडलिंग की बात करूँ, तो वहाँ पर एक अच्छा बैलेंस नज़र आ रहा है, ये कार जैसी ज़्यादा फील हो रही है। मैं रिजिडिटी की बात करूँ तो कम्फर्ट साइड में आपको ये ठीक ठाक लगेगी, बहुत ज़्यादा रिजिड ये नहीं लग रही है। हैंडलिंग के मामले में मुझे अभी तक तो अच्छी पकड़ वाली गाड़ी ये नज़र आई है, थोड़ा सा और तेज़ चलाएंगे, थोड़े से और कॉर्नर्स पर जाएंगे तो और महसूस होगा, लेकिन ओवरऑल एक सटीक चलने वाली एक ऐसी SUV गाड़ी जो बेसिकली बिहेव कार की तरह कर रही है, तो वहाँ पर एक स्मूथनेस भी है, एक सस्पेंशन का रिफाइनमेंट भी है, और ओवरऑल जो कम्फर्ट है वो मुझे अच्छा लग रहा है। जो NVH की क्वालिटी है वो थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी अगर जब मैं एक्सलेट कर रहा हूँ, जब मैं इसे पुश कर रहा हूँ तो जो आवाज़ है वो मैं महसूस कर रहा हूँ कैबिन के अंदर भी, तो वहाँ पे हाईवे के ऊपर कई बार ये डिस्ट्रैक्टिंग या थोड़ा सा मज़ा किरकिरा करने वाला हो सकता है, वहाँ पे शायद वो फॉरेस्ट और रेन वो सब आवाज़ें शायद ज़्यादा बेहतर काम आए।
सेवन सीटर गाड़ियों के सेगमेंट में जो जो फीचर्स की जरूरत होती है लगभग सभी कैरन्स में आपको देखने को मिलेंगे। साथ में दूसरी कतार की सीट को एक बटन से आप मोड़ सकते हैं जिससे कि तीसरी कतार में एंट्री आसान हो, वो इसकी यूएसपी एक तरह से हो सकती है। और इन सब के साथ कैरन्स टक्कर ले सकती है इस सेगमेंट में पहले से मौजूद कुछ जोरदार कंटेंडर से, चाहे वो ह्यूंडई की अल्काज़ार हो, टाटा की सफारी हो, एमजी की हेक्टर प्लस हो या महिंद्रा की XUV700 क्यों ना हो। इन सब से भिड़ने के लिए फीचर्स और इंजन ऑप्शंस की लिस्ट तो किया कैरन्स में भरपूर है। अब जरूरत है एक जोरदार कीमत की।